कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का मामला, गैंगस्टर विकास दुबे समेत 35 के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। लूट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। कानपुर के चौबीपुर थाना में FIR दर्ज करके विकास का पता बताने वाले को 50,000 का इनाम भी दिया जाएगा। तो 30 घंटे बाद भी फरार है विकास दुबे, जिसकी लगातार छानबीन की जा रही है। कहां छिपा है उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड? और ज्यादा जानकारी के साथ नीरज अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। नीरज, गैंगस्टर विकास दुबे समेत 35 के खिलाफ केस दर्ज है, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दूं कि इस मामले के बाद देर रात पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है, जिसमें 35 लोगों के खिलाफ FIR हुई है। इसमें विकास दुबे का नाम भी है। इसके अलावा हत्या, लूट, 7 सरकारी काम में बाधा सहित तमाम गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ है। चौबेपुर पुलिस मुकदमा दर्ज किया हुआ है। इसके अलावा IG कानपुर ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है जी। देर शाम जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें भी क्लियर हुआ है कि किस तरीके से बर्बरतापूर्ण इन लोगों की हत्या की गई है। पास से गोली मारी गई है, ये स्पष्ट हुआ है। सटाकर गोली मारी गई है दो लोगों को। ये चीजें सामने आई है अभी फिलहाल। जी नीरज, बहुत सारे सवाल भी यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। आपने बताया कि 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है विकास दुबे का पता बताने वाले को, तो कैसे ये कार्य किया जाएगा? कोई नंबर जारी किया गया है, इस पे फोन करना होगा, क्या कुछ डिटेल्स है? जी, IG ने स्वयं अपना नंबर जारी किया हुआ है। उन्होंने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। कहा है कि सूचना देने वाली का नाम व पता गुप्त रखा जाएगा जी। इसके अलावा तमाम जो टीमें हैं वो भी लगातार लगी हुई हैं कि इस दुर्दांत अपराधी को कैसे गिरफ्तार किया जाए, कहां से इसका सुराग लगे। इसको लेकर तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तमाम लोग हिरासत में लिए गए हैं, तमाम लोगों से पूछताछ चल रही है। जी नीरज, सभी की नजर इस खबर पे बनी हुई है और एक ही सवाल है कि आखिरकार विकास दुबे कहां छिपा है, क्यों पुलिस पकड़ नहीं पा रही है? जी देखिए, लगातार जो टीमें हैं वो इस चीज को लेकर लगी हुई हैं। लगातार जो है अलग अलग तरीके से सर्विलांस में कई नंबर लगाए गए हैं। इसके अलावा जो भी विकास दुबे के करीबी हैं उनको रडार पे रखा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी जो गिरफ्तारी है वो सुनिश्चित की गई, तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो इनके रिश्तेदार हैं, जहां भी संभावना हो सकती है वहां पर पुलिस टारगेट कर रही है। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई नया खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर कहां विकास दुबे छुपा हुआ है। जी नीरज, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द विकास दुबे की गिरफ्तारी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए।